So hey there guys, welcome back on my YouTube channel once again. Today we have Pulsar 125 Neon Edition. So this is the smaller version of 150 Neon. You get smaller engine capacity and all the features and design scheme are similar to the 150 Neon. So in this video, I will tell you all the information regarding this Pulsar 125. So watch the video till the end. सो जैसे कि मैंने कहा, ऑल द डिज़ाइन स्कीम एंड फीचर्स आर सिमिलर टू द दिस बाइक. तो फ्रंट सेक्शन में वही पुराना हैलोजन बल्ब आपको देखने को मिल जाएगा, पायलट लैंप यहाँ पर दोनों है, और जो टर्न सिग्नल है वो नॉन एलईडी है. तो जो मेन चेंज आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इंजन में, बाकी सभी जो फीचर्स और वेट सिमिलर है 150 से. तो इसका इंजन है वो 125 बजाज DTS साइज सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक ट्विन वेल्व 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जो ये आता है. और ये जो इंजन है ये आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मैकेनिज्म में जो देखने को मिल जाएगा. और ये इंजन मैक्सिमम 11.8 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है एट द रेट 8500 rpm, और जो मैक्सिमम इसका टॉर्क है वो है 11 न्यूटन मीटर्स एट द रेट 6500 rpm, और जिसको मैक्सिमम टॉप स्पीड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 115 से लेके 120 तक. और जो इसकी माइलेज है वो आप 40 to 45 कर सकते हो एक्सपेक्ट. जो माइलेज है वो राइडर के राइडिंग कंडीशन या राइडिंग स्टाइल पे देखने जो निर्भर रहता है. और इस तरह का जो इसमें गियर लीवर है, डुअल पीस गियर लीवर है, आपको सिंगल पीस गियर लीवर देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि यूजी में देखने को मिलता था. और इसका जो लोगो है और इसके थोड़े से आप ये फिन्स देख रहे हो और ये पीछे का ग्रैब रेल और 125 की ब्रांडिंग ये ब्लू कलर में. हालांकि इस बाइक में ABS नहीं है लेकिन कंपनी ने CBS सिस्टम इसमें दिया है. CBS मींस कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम. फ्रंट में आपको 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है. तो अगर हम इस तरह का जो इसका फ्रंट का जो CBS सिस्टम है, तो अगर आप पीछे वाला ब्रेक भी दबाओगे तब भी जो है कंबाइंड होकर फ्रंट वाला ब्रेक जो इसमें ऑटोमेटिकली लग जाएगा, तो ये एक अच्छी बात मुझे लगी. और डुअल हॉर्न जैसे कि आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें, और इस तरह का जो इसकी साइलेंसर की जो कोटिंग है, अगर ये स्टील फिनिश में होती तो अच्छा होता, लेकिन क्योंकि रेनी सीजन में इस पर रस्टिंग वगैरह जो लग जाती है. और इसका जो सस्पेंशन है वो 37mm के इसके फ्रंट टेलीस्कोपिक शॉक्स हैं, और रियर में आपको डुअल नाइट्रोक्स गैस चार्ज सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा. और इस तरह के जो इसके ब्रेक लीवर है और ये किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट मैकेनिज्म में दोनों में आती है. इसकी जो टैंक लीटर कैपेसिटी है वो अराउंड 12 मेरे हिसाब से 14 या 15 लीटर की इसकी टैंक कैपेसिटी है. और इस तरह का जो इसमें टैंक पैड जो देखने को मिल जाएगा आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है. और इसमें आपको कोई टैंक स्कूप्स नहीं देखने को मिलेंगे, टैंक स्कूप्स आपको नई वाली 125 पल्सर में देखने को मिलेंगे जो कि 150 UG से ही सिमिलर है. और इसके जो स्विच गियर्स हैं ये है हाई बीम लो बीम टर्न सिग्नल हॉर्न किल स्विच एंड सेल्फ स्टार्ट का बटन. और इंस्ट्रूमेंट कंसोल वही बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग. ये इसका टैकोमीटर, अभी बैटरी जो इसकी कनेक्टेड नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही जो इसके फीचर्स जो बता देता हूँ. ये इसका टैकोमीटर और आपको स्पीडोमीटर ओडोमीटर ट्विन ट्रिप मीटर्स फ्यूल गेज और ओडोमीटर जैसे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे. टर्न सिग्नल न्यूट्रल हाई बीम और बैटरी की आपको टेलटेल लाइट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं. और इस वाले वर्जन में आपको सिंगल पीस सीट देखने को मिलेगी. सीट पे जो है टेक्सचर्ड पैटर्न दिया गया है ताकि हार्ड ब्रेकिंग सिनेरियो के टाइम जो राइडर स्लिप होके आगे ना जाए. और इस सीट की जो स्टिचिंग देख रहे हो आप, ये स्टिचिंग भी बाइक के लोगोस मतलब ब्लू कलर में स्टिचिंग इसकी की गई है. और इसका जो रियर ग्रैब रेल है वो स्प्लिट नहीं, सिंगल पीस ग्रैब रेल है. और रियर की जो टेल लाइट है वो सभी मतलब पल्सर्स में सिमिलर ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलती है LED टेल लाइट. और इस तरह के जो इसके फ्लेक्सिबल रियर के इंडिकेटर्स हैं. तो अगर इसके व्हील्स की तरफ नज़र डालें तो आगे और पीछे दोनों आपको 17 इंचज़ के व्हील देखने को मिलेंगे. और
इस तरह की उसके रिम स्ट्राइप्स देखने को मिल जाएगी आपको। फ्रंट टायर का साइज़ है 90 और C8 के टायर देखने को मिलेंगे आपको, ट्यूबलेस टायर। और रियर टायर का साइज़ है 100 मिलीमीटर का टायर साइज़ है। और पीछे में आपको एक रियर टायर अगर दे रखा है रेनी सीज़न में, जो आपको मड वगैरह जो दिक्कत ना हो, तो वैसे तो रियर टायर अगर है, लेकिन इसके लिए एक मड गार्ड भी जो है काफ़ी लंबा इसका मड गार्ड है। सोजे पल्सर 125 अभी तीन कलर्स में अवेलेबल है, लेकिन शोरूम में दो ही कलर अवेलेबल हैं, एक ये ब्लू वाला एंड एक ग्लॉसी ब्लैक। और इस तरह का जो एक येलो नियॉन कलर आता है, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है हरियाणा भिवानी में वो है अराउंड 80,000। और अगर आपको ये बाइक लेनी है तो ये भिवानी के श्री श्याम बाजार में जो अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर स्टार्टिंग में डिस्प्ले में डाल दूंगा। तो अगर आपको कोई भी बाइक लेनी है, जैसे कि यही बाइक लेनी है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर बजाज की कोई और कोई सी बाइक लेनी है तो आप टेस्ट राइड या फिर बुकिंग अमाउंट के बारे में जो पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।